राधे राधे, कैसी राधे कृष्ण श्रृंगार में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं किए जाते, क्यों भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर चांद के दर्शन करना निषेध माना गया है। भगवान श्री कृष्ण को भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चांद का दर्शन करने से क्या दोष लगा, और अगर हम गलती से गणेश चतुर्थी पर चांद के दर्शन कर लेते हैं तो उस दोष का निवारण कैसे किया जा सकता है, कैसे उसके दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। शास्त्रों में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को कलंक चतुर्थी कहकर संबोधित किया गया है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन करना निषेध माना गया है, क्योंकि इस गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन करने से किसी को भी कलंक लग सकता है। गणेश पुराण में वर्णित अभिशप्त चंद्रमा की कथा के अनुसार गणेश जी द्वारा चंद्रमा को शापित किया गया है। चंद्रमा क्यों शापित हुए? पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन कैलाश पर ब्रह्मदेव महादेव के दर्शन हेतु गए, तभी वहां देवर्षि नारद ने प्रकट होकर अति स्वादिष्ट फल भगवान शंकर को अर्पित किए। तभी कार्तिकेय जी तथा गणेश जी दोनों महादेव से उस फल की मांग करने लगे। तब ब्रह्मदेव ने महादेव को परामर्श देते हुए कहा कि फल को छोटे शनानन अर्थात कार्तिकेय को दे दें। अतः महादेव ने वह फल कार्तिकेय को दे दिया। इससे गजानन ब्रह्मदेव पर कुपित होकर उनकी सृष्टि रचना के कार्य में विघ्न डालने लगे। गणपति के उग्र रूप के कारण ब्रह्मदेव भयभीत हो गए। इस दृश्य को देखकर चंद्रदेव हंस पड़े। चंद्रमा की हंसी सुनकर गणेश जी क्रोधित हो उठे तथा उन्होंने चंद्र को श्राप दे दिया। श्राप के अनुसार चंद्रदेव किसी को देखने के योग्य नहीं रहे तथा किसी द्वारा देखे जाने पर वह व्यक्ति पाप का भागी हो जाता। शापित चंद्र ने 12 वर्ष तक गणेश जी का तप किया, जिससे गणपति जी ने प्रसन्न होकर चंद्रदेव के श्राप को मंद कर दिया तथा मंद श्राप के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी जो व्यक्ति चंद्रमा को देखता है वह निश्चय ही अभिशाप का भागी होता है तथा उस पर मिथ्यारोपण लगाए जाते हैं। स्कंद पुराण में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि भादव के शुक्ल पक्ष के चंद्र दर्शन मैंने गोखुर के जल में किया, जिसके फलस्वरूप मुझ पर मणि की चोरी का कलंक लगा। एक बार सत्राजित ने भगवान सूर्य की उपासना करके उनसे सम्यंतक नाम की मणि प्राप्त की। उस मणि का प्रकाश भगवान सूर्य के समान ही था। एक दिन भगवान कृष्ण जब चौसर खेल रहे थे तभी सत्राजित उस मणि को पहनकर उनके पास आया। दूर से उसे आता देखकर यादवों ने कहा, हे कृष्ण, आपके दर्शनों के लिए साक्षात सूर्य भगवान या अग्निदेव चले आ रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे यादवों, यह सत्राजित है, उसने सूर्य भगवान से प्राप्त सम्यंतक मणि को पहन रखा है, इसीलिए वह तेजोमय हो रहा है। उसी समय सत्राजित वहां आ पहुंचा। सत्राजित को देखकर उन यादवों ने कहा, अरे सत्राजित, तेरे पास यह अलौकिक दिव्य मणि है। अलौकिक सुंदर वस्तु का अधिकारी तो राजा होता है, इसलिए तू इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दे। किंतु सत्राजित यह बात सुनकर बिना कुछ उत्तर दिए ही वहां से उठकर चला गया। सत्राजित ने सम्यंतक मणि को अपने घर के एक देव मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि नित्य उसे 8 भाग सोना देती थी। जिस स्थान में वह मणि होती थी वहां के सारे कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते थे। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को पहनकर घोड़े पर सवार हो आखेट के लिए बन गया। वन में प्रसेनजित तथा उसके घोड़े को एक सिंह ने मार डाला और वह मणि छीन ली। उस सिंह को तीक्ष्णराज जामवंत ने मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और अपनी गुफा में चले गए। और जामवंत जी ने उस मणि को अपनी बेटी जामवंती जी को खिलौना बनाकर दे दिया। जब प्रसेनजित नहीं लौटे तो सत्राजित ने समझा कि मेरे भाई को श्री कृष्ण ने मारकर मणि छीन ली है। जब श्री कृष्ण ने सुना कि मुझ पर व्यर्थ ही चोरी का कलंक लगा है तो वे इस कलंक को धोने के उद्देश्य से नगर के मुख्य यादवों को साथ लेकर रथ पर सवार होकर सम्यंतक मणि की खोज में निकले। वन में भगवान श्री कृष्ण ने घोड़े सहित प्रसेनजित को मरा हुआ देखा, पर मणि का कहीं अता पता नहीं था। वहां निकट ही सिंह के पंजों के निशान थे। वे सिंह के पंजों के सहारे आगे बढ़ते गए। उन्हें सिंह भी मरा हुआ मिला और वहां पर रीछ के पैरों के चिन्ह मिले, जो कि एक गुफा तक गए थे। जब वे
उस भयंकर गुफा के निकट पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने यादवों से कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं उस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने का पता लगाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गुफा में जाकर देखा कि वहाँ मणि से जामवंती जी खेल रही हैं। श्री कृष्ण ने उस मणि को ले लिया। यह देखकर जामवंत जी अति क्रोधित हो गए और श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटे। जामवंत और श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध होने लगा। जब श्री कृष्ण जी गुफा से बाहर नहीं आए तो सारे यादव उन्हें मरा हुआ समझकर 12 दिन के उपरांत वहां से द्वारकापुरी वापस आ गए तथा समस्त वृतांत वसुदेव और देवकी से कहा। वसुदेव जी और देवकी मैया व्याकुल होकर महामाया दुर्गा की उपासना करने लगी। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर दुर्गा देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा। युद्ध करते हुए गुफा में 28 दिन व्यतीत हो गए। भगवान श्री कृष्ण की मां से महावली जामवंती जी की नस टूट गई। वह अति व्याकुल हो उठे और अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे। जामवंत जी के द्वारा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामचंद्र जी के रूप में उन्हें दर्शन दिए। जामवंती जी उनके चरणों में गिर गए और बोले, हे भगवान, अब मैंने जाना कि आपने यदुवंश में अवतार लिया है। श्री कृष्ण ने कहा, हे जामवंत, तुमने मेरे राम अवतार के समय रावण के बंद हो जाने के पश्चात मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा अपने अगले अवतार में अवश्य पूरी करूँगा। अपना वचन सिद्ध करने के लिए मैंने तुमसे ही यह युद्ध किया है। जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति की और अपनी कन्या जामवंती का विवाह उनसे कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जामवंती को साथ लेकर द्वारकापुरी पहुँचे। उनके वापस आने से द्वारकापुरी में चहुं ओर प्रसन्नता व्याप्त हो गई। श्री कृष्ण ने सत्राजित को बुलाकर उसकी मणि उसे वापस दे दी। सत्राजित अपने द्वारा श्री कृष्ण पर लगाए गए झूठे कलंक के कारण अति लज्जित हुआ और पश्चाताप करने लगा। प्राश्चित के रूप में उसने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह मणि भी उन्हें दहेज में दे दी, किंतु शरणागत वत्सल श्री कृष्ण ने उस मणि को स्वीकार न करके पुनः सत्राजित को वापस कर दिया। यह भगवान श्री कृष्ण की सम्यंतक मणि की कथा है। यह कथा विष्णु पुराण तथा श्रीमद्भागवत में वर्णित है। इस कथा के सुनने या पढ़ने से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्र दर्शन के कलंक लगने के दोष समाप्त हो जाते हैं। इसका वर्णन श्रीमद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 57वें अध्याय में है। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और मैया और कान्हा जी की और भी प्यारी प्यारी ड्रेसेस, एक्सेसरीज, फर्नीचर बनाने के लिए और भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के एस सी राधे कृष्णा श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।